नमस्कार, मेरा नाम है देवांशु तिवारी और आप देख रहे हैं देवभूमि का लोकप्रिय चैनल लाइव उत्तराखंड। हम जब भी किसी की बकबक सुनते हैं या कोई हमें बहुत ज्यादा पका देता है तो हम उससे सिर्फ यही कहते हैं कि भैया दिमाग मत खाओ। लेकिन आज सचमुच में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें लोग कह रहे हैं कि भैया सचमुच दिमाग मत खाना, क्योंकि ये बात है अमेरिका की और टेक्सास जगह है, जहां पर एक लड़की स्विमिंग करने के लिए गई थी कि वहां पर उसे दिमाग खाने वाले कीड़े ने संक्रमित कर दिया। आपको बता दें कि ये खास तरीके का कीड़ा है जो दिमाग पर अटैक करता है। ये लड़की स्विमिंग के लिए एक नदी में गई थी जहां पर दिमाग खाने वाले कीड़े ने इस पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के बाद क्या कुछ हुआ उस लड़की के साथ, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। एक 10 साल की लड़की स्विमिंग के लिए नदी में गई थी, लेकिन इसी दौरान वो दिमाग खाने वाले कीड़े से संक्रमित हो गई। ये मामला अमेरिका के टेक्सास का है। इस लड़की का नाम लिली एवंथ है। अब लिली अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। हादसे के समय लिली स्विमिंग के लिए ब्रेजोस नाम की नदी में गई थी। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे मेडिकल कोमा में रखा गया। ऐसा माना जा रहा है कि लड़की रेयर नेगलेरिया फ्लोरेली कीड़े से संक्रमित हो गई है। यह एक ऐसा कीड़ा है जो दिमाग के टिश्यू को बर्बाद कर देता है। नाक से शरीर के अंदर जाने पर यह खतरनाक हो जाता है। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि उस दिन नदी में 40 लोग स्विमिंग कर रहे थे, लेकिन सिर्फ लिली को इस खतरनाक कीड़े ने संक्रमित कर दिया। वहीं लिली के पिता जॉन क्रॉसन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी बेटी जल्द ही एक बार फिर से ठीक हो जाएगी और वापस नदी में स्विमिंग के लिए जा पाएगी। तो कबीरा इस जग में भांति भांति के लोग के बाद अब कबीरा इस जग में भांति भांति के कीड़े कहना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग खाने वाला कीड़ा बिल्कुल नया है। दिमाग खाने वाले लोग तो सुना था, लेकिन दिमाग खाने वाला कीड़ा, भाई इस कीड़े से तो भगवान ही बचाए। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें लाइव उत्तराखंड, खबरें उत्तराखंड की।